मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू सुनीता विस उत्तराखंडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। गाइज आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के 10 बजे से कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, हमारा ब्रेकफास्ट भी सब कुछ हो चुका है। बस गाइज मुझे अब नहाना है और उसके बाद मेरे को जाना है, तो आज मैं कहीं जा रही हूँ गाइज, तो उसके बाद तैयार होने के बाद मिलती हूँ आपसे। कि मैं किस जगह जा रही हूँ वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। और जिस भी जगह जा रही हूँ अच्छी है, पर लड़कियों की स्पेशलिटी है वहाँ जाना, तो ठीक है गाइस उसके बाद मिलती हूँ। ओके बाय। फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, मेरा कुछ लुक इस तरीके का है और मैं निकल रही हूँ। और गाइस फाइनली मैं निकल रही हूँ घर से, और ठीक है अब मिलती हूँ गाइस। वॉकिंग डिस्टेंस है मेरे घर से ऑटो लेने के लिए 10 मिनट का पैदल जाना पड़ता है, तो अभी कॉल कर। देखिए ये एंट्रेंस है, परेशान रहा होगा वो दिया गाइस, ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। देखिए और पहले मैं उनको ढूंढती हूँ जिनके साथ मैं आई हूँ, उसके बाद मिलती हूँ गाइस। गाइस हम पहुँच चुके हैं सब्जी की नज़र में और अब दिखाएंगे आप थोड़े, यहाँ बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं आपको दिखाएंगे। बड़ा बाहर हो जाएगी मेरे उसको क्वालिटी की लड़की फोटो ले रहा भाई और कुछ भी नहीं लेगा वो। मैडम आ गई, आओ शाला इतना आगे कौन लगा रही है भाई, क्या तू आज कितने गए? 200 रुपए। सही तो ये वाला सही है ना? ये रख दो भैया, ये वाला चेक कंपनी का है। गल से तुमने सस्ते क्या? नहीं भाई चोर बाजार नहीं देखा मैंने। देखिए ये 100 रुपीज के हैं गाइस, देखिए ये 100 रुपीज के है। कोई हंड्रेड रुपीज ओनली गाइस, देखिए कितने के? 250 की सेल लगी है, 250 का सेल है। नहीं वेट मशीन गाइस देखिए कितनी सुंदर ड्रेस है, लड़के के ड्रेस
भैया फ्रॉक कितने की है? भैया ये वाली फ्रॉक कितने की है? ये वाला 950 का है। अच्छा जी, ये दिखाओगे? कपड़ा नहीं है भैया, ये कितने के भैया? कपड़ा नहीं है ना? नहीं भैया, पैसे हैं वैसे कपड़ा नहीं है। चलो गाइस आगे देखते हैं, कॉफ़ी दिखाते हैं सरोनी नगर में कितने सस्ते सस्ते सामान मिलते हैं। वो आज पेटीएम करके आया हुआ है। कितने नंबर आए थे आज? पास नहीं, हम गलत आ रहे हैं, हम एक जगह से नहीं घूम रहे, हम बीच बीच गलियों में नहीं कहाँ कहाँ जा रहे थे, हम वहीं घूम फिर के वहीं लौटेंगे। मॉयर सूट पूछो कितने का भैया? सूट 1350। गाइस अभी तो मार्केट लगना स्टार्ट हुई है, देखिए लो जो 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए 100 रुपए। हाँ वो रेड वाली ना, वो देखो भैया रेड वाली टांग की दिखा। कितने साल के बच्चे का है ये? 3 साल के बच्चे के लिए। अच्छा लग रहा ना गाइस? है 250 की रेंज की चप्पलें लगी हुई हैं। क्या हुआ मैडम? 600 रुपए के हैं दे दो। हाँ ये गाइस 100 रुपए का ये। चलो आ जाओ आ जाओ, स्वेटर से 100 रुपए। कुछ अच्छा यूनिक मिल जाता है बताइए। ले लो मैडम 200। आइए भैया टैटू, आइए भैया आइए। स्वेटर मैडम आपको टैटू कराना है? स्वेटर लो आप टैटू ब्रदर। कैसा लगा मैडम बैग? ले लो। हाँ ये सही लग रहा है मैडम, आपको टैटू करवाना नीचे से भी अच्छा है ना। चलो स्वेटर से 100 रुपए। ये मैडम लेदर बैग। लेदर बैग क्यूट सी ड्रेसेस हैं गर्ल्स की, देखना भैया क्या प्राइस है इनका? भैया इनका प्राइस क्या है? 100 रुपए। ₹100 देखिए गाइस कितना अच्छा लगा। चलो गाइस अब निकलते हैं घर के लिए। अच्छा यहाँ अंदर अच्छा यहाँ से इंसान में डर नहीं लगेगा। हाँ मैं जब भी आई मेरे को इतना पता नहीं ना, क्योंकि मैं जब भी आई मेट्रो से आई या तो सरोजनी नगर से मैं आ चुकी हूँ। बहुत बुरी तरीके से थक गई हूँ, पैरों में बहुत पेन हो रहा है, चल चल के दर्द हो गया है पैरों पे।
ठीक है गाइज, अब अभी तो मैं गाय चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ गाइज आप लोगों से, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। ओके, आइयो सरोजनी नगर से, और इसका प्राइस जो है ओनली 100 रुपीज़ का है, ये देखिए। और कैसा लगा है गाइज प्लीज़ कमेंट्स में बताना, प्लीज़ गाइज कमेंट्स में करके बताना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, विंटर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन आ चुका है उधर सरोजनी नगर में, देखिए कितना सुंदर लग रहा है गाइज। और ये 100 रुपीज़ का है ना गाइज, आपको मैंने आउटफिट दिखा दिया है, और उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया था एक्चुअली, क्योंकि थक गई थी बहुत ज़्यादा, और उठी हूँ मतलब सो गई थी मैं थोड़ी देर। अब गाइज मैंने मतलब खाना बना दिया है, दाल चावल बनाया है मैंने, और हमारा बन चुका है दाल चावल, उसके बाद हम खाएंगे। हमने फाइनली खाना खा लिया है, अब सोने की तैयारी करते हैं, अब हम सो जाते हैं। इस ब्लॉग को मैं एंड यहीं करती हूँ गाइज आज, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो गाइज ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।